आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं की सामाजिक की राजनीतिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक का पाठ 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। आशा है आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लुप्त मोम तकनीक क्या थी? उत्तर है, चोल कालीन काश्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस पर विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी, उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाला जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी, तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों, वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अजमेर किसकी राजधानी थी? चौहान राजाओं की। अगला प्रश्न है बच्चों, कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, कांसा किससे बनती है? तांबे और रंगे धातु से। अगला प्रश्न है बच्चों, कावेरी नदी किस नगर के पास बहती है? सुंदर नगर के पास बहती है। अगला प्रश्न है बच्चों, गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर, जो सोमनाथ का मंदिर लूट करके विदेशी ले गए थे। गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर। कांचीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। पहला है बच्चों, राजराजेश्वर मंदिर खालिस्तान में बनवाया गया था, तंजावुर में। अजमेर सूफी संत खालिस्तान में से संबंधित है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से। हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर के। अगला है, हालैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में खालिस्तान पर अपनी बस्ती बनाई, मुसलीपट्टनम। अगला प्रश्न है बच्चों, बताइए क्या सही है और गलत। प्रश्न नंबर 1, हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं, सत्य है। ठेका है, सौदागर लोग काफिले में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। गलत, क्योंकि काफिलों में इकट्ठे चलते थे ताकि लूटने का भय न हो। अगला है, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। गलत, असत्य। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, असत्य। अगला प्रश्न है बच्चों, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से की जाती थी। अगला प्रश्न है, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? देसी व्यापारी और शिल्पकार। आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? उत्तर देखिए बच्चों, मंदिर के आसपास नगरों के विकसित होने के निम्न कारण हैं। नंबर 1, मंदिरों के आसपास पुजारियों और कलाकारों के घर होते हैं। नंबर 2, बड़ी संख्या में लोगों के आने जाने के कारण यहाँ बड़े बाजार लगते थे। अगला प्रश्न है, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे? उत्तर है, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव में शिल्पीजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उदाहरण के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए विश्वकर्मा समुदाय आवश्यक था। विश्वकर्मा ये मिस्त्री जो चिनाई का काम करते हैं। इस समुदाय में सुनार, लोहार, कसेरे, राजमिस्त्री आदि शामिल थे। ये लोग बड़े बड़े तालाबों तथा जलाशयों का निर्माण भी करते थे। दूसरी ओर सालियर समुदाय के बनकर बहुत ही धनी बन गए थे। ये मंदिरों को भारी धनराशि दान दक्षिणा में देते थे। इस धन से मंदिरों का रखरखाव होता था। अगला प्रश्न है बच्चों, मध्यकालीन नगरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उत्तर है, मध्यकालीन सौदागरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नंबर 1, इन्हें अपना सामान बेचने के लिए
वनों से गुजरना पड़ता था। नंबर दो, इन्हें अपना सामान ऊँटों, गधों तथा घोड़ों पर ढोना पड़ता था। नंबर तीन, इन्हें यूरोपीय व्यापारियों से प्रतियोगिता करानी पड़ती थी। नंबर चार, कठोर जलवायु के कारण कई व्यापारी रास्ते में ही मर जाते थे। नंबर पाँच, इनकी वस्तुओं को कई बार रास्ते में ही लूट लिया जाता था। अगला प्रश्न है, लुप्त मोम तकनीकी से के क्या लाभ थे? उत्तर है, यह कांस्य मूर्तियां बनाने की आसान विधि थी। नंबर दो, इससे शिल्पकारों को रोजगार मिलता था। नंबर तीन, ये मूर्तियां मंदिरों तथा अन्य स्थानों की सुंदरता बढ़ाती थी। नंबर चार, इन मूर्तियों की बिक्री से विदेशों में बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते थे। नंबर पाँच, इससे भारतीय मूर्तिकला का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? नगरों के विकास की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? काबुल, काबुल में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दो ऐसे नगरों के नाम बताओ जो तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए। उत्तर प्रदेश में वृंदावन और तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई। अगला प्रश्न है, आठवीं शताब्दी के दक्षिण भारत के दो व्यापारिक संघों के नाम बताओ, मणिग्रामम और नाना देसी। अगला प्रश्न है, किस शिल्प का नाम बिद्री पड़ा और क्यों? तांबे और चांदी में जड़ाई के शिल्प का नाम बिद्री पड़ा क्योंकि इस काम में बिद्री के शिल्पकार बहुत ही कुशल थे। अगला प्रश्न है, तंजावुर किसकी राजधानी थी? चोलों की। तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज चोल ने। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर के बनाने वाला वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लम, राजराजा पेरू तच्छन। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है बच्चों, गिल्ड क्या थे? व्यापार संघ, व्यापार संघ जो इकट्ठे मिलकर व्यापार करते थे उसको बोलते थे गिल्ड। अगला प्रश्न है, विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बच्चों, किस नगर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? सूरत, गुजरात को। अगला प्रश्न है, कोलंबस कौन था और उसने वेस्ट इंडीज की खोज कब की? उत्तर है, कोलंबस इटली का एक साहसिक नाविक था जिसने 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज की खोज की। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? उत्तर है, 1686 से 1687 के बीच। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली नाविक था जो 1498 में भारत के कालीकट तक पहुंचा। अगला प्रश्न है, मसूलीपट्टनम किस नदी के डेल्टा पर बहती है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर। अगला प्रश्न है, मसूलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने। 18वीं सदियों में किन किन नगरों का उदय हुआ? उत्तर है बच्चों, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। राजराजेश्वर मंदिर के भीतर क्या स्थित है? शिवलिंग। अगला प्रश्न है, टीन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? रागा। अगला प्रश्न है, भील स्वामी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। तिरुपति कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उन संघों के नाम बताओ जो आगे चलकर प्रधान व्यापार संघ बन गए, चाहियार और मारवाड़ी। वह वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1498 में। अगला प्रश्न है, मुगलों के शासन में आजम में क्या बन गया? सूबा मुख्यालय। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। गुमास्ता का क्या अर्थ है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी संघ। अगला प्रश्न है बच्चों, विजयनगर की पराजय कब हुई? 1565 में। विजयनगर नीचे दक्षिण भारत में है। विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1536 में।
काबुल में प्रतिवर्ष घोड़ों का व्यापार कितना होता था? 30,000 रुपयों का। अगला प्रश्न है, कौन सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे? काबुल और कंधार। अगला प्रश्न है, गुजराती व्यापारी के कौन से दो समुदाय मिले थे? हिंदू बनिया और मुस्लिम बेहरा। रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र क्या था? मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, 1704 में बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। विजयनगर के पराजय के बाद किसका विनाश हो गया? हम्पी का। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।